सही गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियस। आज एक और नई वीडियो आ चुकी है किसकी, प्लस फोर सीरीज की। तो भाई ये एक शानदार वीडियो होने जा रही है। आज हम पढ़ाएंगे तुमको सॉल्यूशन, ठीक है। और जो बच्चे भी अब तक अगले पिछले चैप्टर्स में अब तक नहीं पहुंचे तो जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, वहां पे मैंने प्लस फोर सीरीज की तुमको लिंक ऑलरेडी दे रखी है भाई। तो जाओ जल्दी से अपने 12 मार्क्स कंफर्म करो। तीन वीडियो डल चुकी है, चौथी वीडियो है, तो कौन कौन रेडी है अपने टोटल 20 मार्क्स कंफर्म करने के लिए, क्योंकि हम 16 ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 4 मार्क्स अगले 20 मिनट के अंदर कंफर्म कर रहा। डिटेल से सॉल्यूशन पकड़ के 2 PYQ भी कराऊंगा और साथ साथ तुमको पूरा PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डिस्क्रिप्शन देख लेना, ठीक है। और वीडियो में एंड तक बने रहना, तुम्हारे लिए एक न्यू ईयर सरप्राइज भी है मेरे पास। तो है, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्त, आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन बच्चे कहते हैं इसको। तो ये यार क्लास 12 का टॉपिक है जिसमें बच्चे यूजली परेशान नहीं रहते भैया करना क्या है। तो भैया आज इसको हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर का ही एक सब पार्ट है, वेंट ऑफ फैक्टर और उसके कुछ एप्लीकेशन, ठीक है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ जिससे 90% क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। साथ साथ PYQs कर लेना, बार बार मैं हर वीडियो में कहता हूँ, 2019-20-21-22 के टॉपिक वाइज PYQs कर लेना। इस टॉपिक के जितने PYQs हो पा रहे हो उतना बढ़िया है। चलो वे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भैया वेंट ऑफ फैक्टर क्या है। तो VH फैक्टर को जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो जो कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, दीज आर द प्रॉपर्टीज मैग्नीट्यूड ऑफ विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, कि भैया इस बकेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, चाहे वो हाइड्रोजन के हो, चाहे वो ऑक्सीजन के हो, चाहे वो लिथियम के हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ये 6 मैंने गोले बनाए, हमें खाली नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब पड़ता है और वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नेचर पे डिपेंड नहीं करता, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे मोल, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे कुछ भी हो, नेचर पे नहीं डिपेंड करेगा। सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल पड़े हैं डिपेंड करता है कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यही हमारा हो गया, सिंपल सा, ठीक है, इसको याद रखना सबको। अब देख लेते हैं कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज, सॉरी VH फैक्टर होता है क्या। ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है ये सब, मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, सीधा फॉर्मुला लगाओगे देखोगे, दो सेकंड में क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, ठीक है। VH factor, vent of factor is the amount by which कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम रियल लाइफ, इट इज नोटेड बाय आई। क्या मतलब हुआ इसका भैया, कोई कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज जैसे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज होती है, चाहे वो हाइड्रोजन के मोल हो, चाहे वो ऑक्सीजन के मोल्स हो। मोल, एक मोल बराबर एक मोल ही होता है, ठीक है। मोल कुछ एक कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज है, मोल कभी नेचर पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। चलो समझ गए, ठीक है भैया। नंबर ऑफ मोल्स हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हो गई। तो आई का फॉर्मुला हमने क्या देखा, एक्चुअल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अपन थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, समझ आ गया भैया। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बाद हम कौन सी ले रहे हैं, मोल ले रहे हैं। तो आई इक्वल टू एक्चुअल मोल्स अपॉन थ्योरेटिकल मोल्स, ठीक है, थ्योरेटिकल मोल्स, ठीक है। अब मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मास अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो मास को गिवन है तुमको 2 ग्राम मान लो, ठीक है, मास कुछ गिवन है, अपॉन ओरिजिनल एक्चुअल मॉलिकुलर वेट, ठीक है, अपॉन एक्चुअल मॉलिकुलर वेट। और थ्योरेटिकल को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन थ्योरेटिकल मॉलिकुलर वेट। तो जब इसको लिखोगे तो इस बार थ्योरेटिकल ऊपर आ जाएगा और एक्चुअल ऊपर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो यही मैंने बताया है, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन थ्योरेटिकल नंबर मोल्स इक्वल्स टू थ्योरेटिकल मॉलिकुलर मास अपॉन एक्चुअल मॉलिकुलर मास। देखो थ्योरेटिकल ऊपर आ गया था इस बार न्यूमरेटर में, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है, आई को अगर कुछ नहीं दिया तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, ये इतना काम का नहीं है, काम की चीजें आगे है तुम्हारी, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, मोल से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है, और भी कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे डिटेल में, वो होती हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें से ये 2 बहुत काम की है। इसका खाली फॉर्मुला भी अगर तुम याद कर दोगे, PV=nRT से याद कर सकते हो उसको, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई बोल देते हैं, तो पाई हो जाएगा हमारा NRT अपॉन V, ठीक है। तो इसको तुम यही फॉर्मुला रट लो, यही फॉर्मुला रट लो और कुछ मत रखो, ठीक है। बाकी हम आज इस वाले आज के टॉपिक में हम कौन सी पढ़ लेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 90% क्वेश्चन आ रहे होते हैं, वो ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, आई क्या होता है, और कौन कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे होंगे, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो ये है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मतलब जिनका मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, खाली नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलो, सो आर यू गाइस रेडी फॉर द सरप्राइज। सरप्राइज ये है कि अनअकैडमी तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन सा ऑफर लेके आया है न्यू ईयर पे। तुम्हें 23% ऑफ मिल रहा है सारे ही सब्सक्रिप्शन में IIT JEE के। तो अगर तुम 18 महीने वाला ले रहे हो, 12 महीने वाला प्लान ले रहे हो, आइकॉनिक ले रहे हो या प्लस ले रहे हो, जो भी मर्जी ले रहे हो भैया, तुम्हें ऑफर मिल रहा होगा बहुत ही बेहतरीन वाला। भाई अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं अनलिमिटेड नंबर ऑफ टीचर मिलते हैं जिससे तुम पढ़ाई कर सकते हो।
अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज और जितना भी मटेरियल तुम सोच सकते हो तुम्हारी जेई प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए, वो सब यहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर तुम आइकॉनिक भी लेते हो तो साथ साथ तुम्हें डाउट सॉल्विंग और मेंटरशिप भी मिल रही होगी। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम JEE 23 को टारगेट कर रहे हो तो 6 महीने वाला ले लेना, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसमें एडवांस और मेंस दोनों कवर हो जाएंगे। हर अच्छी चीज अनलिमिटेड नहीं होती है, तो ये भी एक अनलिमिटेड ऑफर है। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करो और Ajay50 कोड का यूज करके सरप्राइज का फायदा उठा लो। ओके, अब आते हैं हमारा जो पहली पहली जो हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बोली थी इंपॉर्टेंट वाली, वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बोली थी इंपॉर्टेंट वाली, वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब तुमको मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक बकेट है, इसमें तुमने पानी भर दिया, ठीक है, पानी भर दिया, इसमें तुमने आग लगा दी, तुमने क्या देखा भैया, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अब तुमने क्या किया, वो सेम बकेट ली, पानी भी सेम अमाउंट ऑफ भरा, लेकिन उसमें तुमने क्या कर दिया, सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा सा चम्मच भर के एक NaCl सॉल्ट डाल दिया। तो अब इसमें क्या हो गया, वाटर प्लस सॉल्ट हो गया। अब जब तुमने इसको फूकना शुरू किया, नीचे से आग लगानी शुरू करी, तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहा, या तो इससे कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा या फिर इससे कम हो जाएगा। वही हम देखना चाहते हैं कि कुछ ऊपर से डालने में इम्प्योरिटी, या फिर तुम कह सकते हो कोई सॉल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज होता है, यही तुम्हें बताता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कितना एलिवेट हो गया बॉइलिंग पॉइंट कुछ इम्प्योरिटी डालने से, कुछ सॉल्यूट डालने से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू एक फॉर्मूले से निकलती है, बहुत बहुत इजी फॉर्मूला होता है। देखो, डेल्टा भी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना जब हम सॉल्यूट डाल देते हैं, इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, इक्वल्स टू फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट। फाइनल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर एडिंग सॉल्यूट पार्टिकल, ये वाला बॉइलिंग पॉइंट, इसको x मान लेते हैं, x डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। जब हमने वाटर में सॉल्ट को डाल दिया, तब जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया वो होता है हमारा TB फाइनल। ठीक है, TB फाइनल, TB इनिशियल क्या है भैया, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इनिशियली था, जो कि इस टाइम 100 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस था खाली वाटर का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बिफोर एडिंग सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट के डालने से पहले जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट था, यानी कि नीचे वाले केस में उसको 100 मान के चलेंगे, इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी। ठीक है, KB इंटू मोलैलिटी, भैया KB क्या है, ये कॉन्स्टेंट होता है, याद कर लो, उसको हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी का सबको फॉर्मुला पता होगा भैया, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी बराबर क्या आता है हमारा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो तुमने नमक डाला था उसके सॉल्यूट, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो तुमने मास डाला था, जो तुम्हारा तुमने वाटर का मास लिया था, कितना केजी तुम्हारा वाटर था वो तुम्हें लेना है, केजी में लेना है, इसको याद रखना, ग्राम में मत ले लेना। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, समझ गए, हमने खाली मोल्स को खोला है, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे ही क्या से लिख दो, मास ऑफ सॉल्वेंट को MOS लिख दूं मैं, समझ जाओगे, इन केजी। ठीक है, हमने केजी में क्यों लिया, क्योंकि भैया मोलैरिटी की डेफिनेशन होती, तो हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि इसको ऊपर ले जाएंगे, इनटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, यही ड्राइव करके हमारा फॉर्मूला आता है, रट लो इसको बेटा, रट लो, और यहाँ रखना यहाँ पे सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट आएगा, क्योंकि मॉलिकुलर वेट ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं वहां पे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपना दूसरा, ये हो गया हमारा, ऊपर क्या हो गया था, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, जब हम सॉल्यूट डाल लेते हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। अब आ गया है सेकंड नंबर पे हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सेम टू सेम फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जो हम इनिशियल ले लेते हैं और यहाँ पे फाइनल ले लेते हैं, उसमें क्या था, पहले हम फाइनल लेते थे TBF माइनस TBI करते थे, यहाँ पे हम TF इनिशियल माइनस TF फाइनल कर देंगे, बस यही डिफरेंस है। फाइनल वाला कौन सा होगा भैया तुम्हारा, फाइनल वाला कौन सा होगा, जो तुमने बाल्टी भरी थी वाटर की, उसमें जब सॉल्यूट डाल दिया था, तो उसका जो फ्रीजिंग, नया फ्रीजिंग पॉइंट निकल के आएगा वो होगा तुम्हारा TF फाइनल। इनिशियल कौन सा होगा, जो तुमने बाल्टी भरी थी खाली पानी की, जब उसको फ्रीज करा था, तुमने देखा था 0 डिग्री सेल्सियस आया था, तो वो होगा तुम्हारा TF इनिशियल। बिल्कुल समझ गया भैया, हम एकदम चमक गया, बिल्कुल बहुत अच्छे से चमक गया। चलो भैया, ठीक है, बस वही होता है KF इंटू M मोलैलिटी, ये मोलैलिटी ही होती है, और KF तुम्हारा कांस्टेंट होता है। समझ गए बेटा, बिल्कुल समझ गए भैया। अब इसका देखो सेम फॉर्मूला निकल के आता है, सेम फॉर्मूला इसका निकल के आ जाएगा, W इंटू 1000 W M कैपिटल M इंटू कैपिटल W, वही है, देख सकते हो सेम टू सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे TF और KF है। समझ गए, बहुत ईजी है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आता है भैया, आपने वेंट ऑफ फैक्टर हमें पढ़ा तो दिया था, जो आपने बताया था I वेंट ऑफ फैक्टर, आपने क्या बोला था, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जो हमें बताती है कि जो हमारी एक्चुअल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज रियल लाइफ में कितना चेंज करती है, मतलब कितना
फ्लक्चुएट होती है अपनी ओरिजिनल वैल्यू से रियल लाइफ में, ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू से, समझ गए। तो वही उसका ही कंसेप्ट अब आता है। देखो हमने क्या निकाला था, टी डेल्टा टी बी एफ इक्वल टू के एफ इंटू के बी इंटू एम निकाला था, ठीक है। ये तो हो गई हमारी थ्योरेटिकल, ये तो हो गई हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू। भैया थ्योरेटिकल वैल्यू तो हो गई, लेकिन हमें रियल लाइफ एक्चुअल में देखना है। हम असली में एक कमरे में बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा टी भी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, हमने ऊपर बताया था चार होती थी, दो हम पढ़ रहे हैं खाली, ठीक है। तो हमने उसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। इसलिए वेंटा फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो भूलना मत, जहां पे आई तुमको बोला गया यूज करने को, तुम्हें आई से मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल वैल्यूज लिखनी है एक्चुअल लाइफ में, असली में जो करते हुए आती है। थ्योरेटिकल तो भैया देखो सर आइडियल होता है, इसलिए कोई भी एरर वेरर नहीं आता, लेकिन जब तुम एक्चुअली निकालोगे तो आई के फैक्टर से तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा दोनों को ही, टीबीएफ को और डेल्टा टीबीएफ को भी, ठीक है। चलो समझ गए, अब ये सब तो हम कर चुके हैं। हाउ टू कैलकुलेट आई, पहला मेथड तो हमने देख लिया था, सिंपल एक्चुअल एक्चुअल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज करके, ठीक है, ये तो इजी था। अब अगर तुम्हारे पास कोई रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है, दो तरह की रिएक्शन होती है हम पे, एसोसिएशन रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन दो तरह की रिएक्शन होती है, ठीक है। तो भैया इनमें हम आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनमें कैसे पता चलेगा कि हम आई की वैल्यू कैसे निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, रट लो, बहुत ईजी से है। अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ये होता है डिसोसिएशन के केस में। कुछ कठिन नहीं है भाई, बहुत ईजी है, जस्ट टू पीडीएफ में बना रहे, क्वेश्चन देख कैसे फर्राटे से करवाता हूँ तेरे से। और ये हो गया डिसोसिएशन। एसोसिएशन में कौन सी होती है भैया, वन माइनस आई अपॉन वन माइनस वन अपॉन एन। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। भैया दिमाग का ऐसी तैसी हो गया, अब बता दो, अब तुम्हें बताते, देखो डिसोसिएशन भैया कौन सी रिएक्शन होती है, डिसोसिएट मतलब टूटना, एक मॉलिक्यूल दो में टूट गया उसको कहते हैं डिसोसिएशन। तो ऐसी एक रिएक्शन है, मान लो ये वाली ए एक्स बी वाई, टूट किस में जा रहा है, एक्स ए और वाई बी में, ठीक है, एक्स ए और वाई बी में टूट जा रहा है, समझ गए भैया, बिल्कुल समझ गए। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है इस रिएक्शन का, क्वेश्चन में गिवन होता है हमेशा, अल्फा है, ठीक है, अल्फा है। और एन क्या है, एन क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड। हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा होगा नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड, कितने पार्टिकल डिसोसिएट हो गए, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने पार्टिकल डिसोसिएट हुए, एक पार्टिकल था ए एक्स बी वाई का, ठीक है, एक कंपाउंड था हमारे पास, एक कंपाउंड कितने में टूट गया, एक्स नंबर ऑफ ए में, एंड वाई नंबर ऑफ बी में, ठीक है, एक पार्टिकल एक मॉलिक्यूल ए एक्स बी वाई कितने में टूट गया, एक्स नंबर ऑफ ए में और वाई नंबर ऑफ बी में। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे डिसोसिएट हो गए, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स ए में, एक्स ए और वाई बी, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, एक्स प्लस वाई। तो एन की वैल्यू क्या आएगी डिसोसिएशन, इस वाली रिएक्शन के लिए, डिसोसिएशन के, एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। बहुत ही सिंपल है, इतना ईजी कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन लगाओगे सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही एसोसिएशन में देख लो, एक रिएक्शन है तुम्हारे पास एक्स इंटू ए, ठीक है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है पूरी रिएक्शन का, वो एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो गई, ए एक्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ना, टू एच कन्वर्ट हो गए एच टू में, ठीक है। तो ये दो पार्टिकल थे, दो एच के पार्टिकल थे, ये किसमें, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट कितने हो गए, दो मिलके एक बन गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट कितने हो गए, दो मिलके एक बन गए। तो ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई, दो, अगर इसको देखोगे तो एक्स आ जाएगी एन की वैल्यू। समझ गए, बहुत इजी है यार, इतना इजी कंसेप्ट है, तुमको बस फॉर्मूले बढ़ाने हैं, याद रखना, तुमको याद कराते हैं। डिसोसिएशन में आई की वैल्यू कैसे निकालते थे, अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। और एसोसिएशन में भैया कैसे निकालते थे, अल्फा, अल्फा इक्वल टू वन माइनस आई अपॉन वन माइनस वन अपॉन एन। याद रख लो इनको, बहुत इजी सा फॉर्मूले है, क्वेश्चन में सीधा सीधा यूज होंगे। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे, ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, तगड़ा क्वेश्चन है, मजे आएंगे थोड़ा बहुत, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, तुमको होमवर्क दूंगा थोड़े से, मैं तुम जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, किसके, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन के, ठीक है, पीवीएसआर कर लो 19, 20, 21, 22 जितने हो पा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा 10 में से 10 कर लो, 100 में 100 कर लो, 10 में से 4-5 हो पा रहे हैं, बहुत है, ठीक है, क्योंकि हमें प्लस 4 कंसर्न कराने, 90% चांस है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भैया, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर। तुम्हारे पास एक 100 ग्राम वाटर है, खुद से ट्राई करो पहले, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करेगा, तो ठीक है, खुद से ट्राई कर, 1, 2, 3, ठीक है। हमें क्या निकालना है भैया, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है किसका, 100 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्यूशन का, कंटेनिंग 8.1 ग्राम ऑफ HBr, विच इज 90% आयोनाइज्ड, के भी दिया हुआ है। और भाई इतनी सारी चीजें दिया भैया, मैं क्या करूं, हल्के हल्के पढ़ो। सबसे पहले जो हमको समझ आ गया वो ये आ गया कि
90% आयोनाइज का क्या मतलब है, एक रिएक्शन है जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90% है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0.9 आ गई। इतना हम समझ गए भैया, हमने कुछ नहीं देखा, इतना हम समझ गए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना नंबर ऑफ कितना डिग्री है डिसोसिएट होने का एक रिएक्शन का, अल्फा इक्वल टू 0.9 आ गया, इतना हम समझ गए भैया। बिल्कुल, के भी दिया है हमको, के भी हमें दिख गया भैया। हमें कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट किसका, 100 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.1 ग्राम ऑफ HBr, यानी कि हमको TB फाइनल जो हमने इंप्यूरिटी डाल दी उसके बाद जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है। हमको क्या TB इनिशियल दिया है, क्या हमारा इनिशियली क्या होगा, हमारे पास खाली वाटर होगा, ठीक है। हमने क्या करा था, एक वाटर को हीट करा था, तो उसका कितना आ रहा था 100 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछा किसका है, एक वाटर के सॉल्यूशन में क्या डाल दिया हमने, HBr डाल दिया, कितना 8.1 ग्राम HBr डाल दिया। तो अब हमसे पूछा है कितना हो जाएगा, उसको हमने x मान लिया, सिंपल है, जो ऊपर बताया था वही करना है। चलो फिर देख लो, सीधा सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, दोस्त, ठीक है। तुमको HBr कितना दिया है, कितना HBr तुमने ऐड करा है वाटर में, क्या अच्छा, गिवन HBr इज एडेड टू वाटर, हाँ हमें ये दिया गया कि वाटर में हमने HBr डाला गया, उसके बाद हमको उसका फाइनल बॉइलिंग पॉइंट बताना है, ठीक है। HBr किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस और Br माइनस में, ठीक है। इसका अल्फा है 0.9, ठीक है, इसका अल्फा है, इस रिएक्शन का अल्फा है 0.9, ये तो हमको सब क्वेश्चन में गिवन है। तो भैया HBr से H प्लस प्लस Br माइनस का हमको अल्फा दिया गया है, अल्फा 0.9, ठीक है, अल्फा 0.9 दिया है। तो भैया ये बताओ, ये तो डिसोसिएशन हो गया, HBr दो पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है ना, ठीक है, HBr, ये जो HBr है ये दो पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है तुम्हारा, एक इसमें एक इसमें, तो ये हो गया हमारा डिसोसिएशन। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, दो, क्योंकि दो पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। ये तो हमको पहले से रिएक्शन देखते ही समझ आ गया कि एक HBr है, HBr को जो हमने पानी में डाला था तो इस तरह से वो डिसोसिएट हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। चलो भैया इतना हमें समझ आ गया, अब फॉर्मूला बढ़ा देते हैं हम, डेल्टा TB इक्वल टू डेल्टा TF, TBF माइनस TBI इनटू KB, ये सब तुम वैल्यूज पुट करना, ठीक है, वैल्यूज पुट करना। TBI क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ओनली वाटर, इनिशियल जो इनिशियली था, जो हमने खाली वाटर को लेके जो बॉइलिंग पॉइंट निकाला था वो हमारा टीबी इनिशियल होता है हमेशा, ठीक है। कितना है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तो तुमको पता ही है पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। टीबी फाइनल क्या है, जो हमें निकालना है, जिसको हम एक्स मान लेते हैं, टीबी फाइनल जो हमने पानी में HBr को डाला, HBr उसमें डिसोसिएट हुआ, उसकी वजह से जो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा वो हमें निकालना है, उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। के भी तुमको क्वेश्चन में गिवन है। तुम्हें भैया फॉर्मूला लगाना है, मोलैलिटी का लगा लो, मोलैलिटी का फॉर्मूला तुमको दिख रहा होगा, मोलैलिटी का फॉर्मूला तुम लगा दोगे यहाँ पे, इनटू i भी करना है तुम्हें, i कैसे निकालोगे, अल्फा गिवन है भैया, अल्फा गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, ये वाला डिसोसिएशन वाला, i माइनस वन अपॉन n माइनस वन इक्वल टू अल्फा, यहाँ से i निकाल लो, सिंपल, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, तुम्हें पहचानना आना चाहिए, ठीक है। चलो वैल्यूज लगाते हैं, देखो, हाँ वैल्यूज लगाते हैं, चलो पहले तो मोलैलिटी की वैल्यूज लगाते हैं, हटाओ जल्दी, हटाओ उसको, पूरा हटा दो, ठीक है। चलो तुमको W कितना दिया है, यानी कि सॉल्यूट का मास कितना दिया है, जो तुमने HBr डाला है, कितना मास है उसका, कितना मास है, कंटेनिंग 8.1 ग्राम ऑफ HBr, ठीक है। तुम्हारे पास कितना है HBr, 8.1 ग्राम HBr है तुम्हारे पास, ठीक है। कैलकुलेटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 ग्राम वाटर सॉल्यूशन, वाटर का सॉल्यूशन है कंटेनिंग 8.1 ग्राम ऑफ HBr, तो ये हो गया 8.1, ठीक है दोस्त। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, एम क्या है भैया, एम क्या है, मॉलिकुलर मास ऑफ HBr, मॉलिकुलर मास ऑफ HBr निकाल लो तुम, कितना होता है 81 आएगा, ठीक है 81 आएगा, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। अब W क्या है भैया, W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। आप बच्चे क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट देखेंगे, अरे भैया 100 ग्राम दिया है, वाटर सॉल्यूशन का 100 ग्राम दिया, यानी कि वाटर प्लस HBr का 100 ग्राम वेट दिया है हमें HBr कितना दिया गया, 8.1 ग्राम, तो हम खाली वाटर का निकाल लेंगे 100 माइनस 8.1 ग्राम, तो ये हमारा सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, तो ये हो गया 100 माइनस 8.1 हो गया, 100 माइनस 8.1 ग्राम, बस वैल्यू हमने उठा के रख दी है, 100 माइनस 8.1 ये 91.9 हो गया, ये 81 हो गया, ये 0.52 हो गया, ये 8.1, ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इनटू आई करना है हमको, ठीक है, इनटू आई के लिए हम वैल्यू लगा देंगे अल्फा वाली, अल्फा 0.9 दिया है, एन की वैल्यू हमने 2 देखी थी, आई हमारा निकल जाएगा यहाँ से 1.9, यहाँ पे पुट कर दो, वैल्यू निकाल लो, ऑन सॉल्विंग फाइनल तुम्हारा 102.04 डिग्री सेल्सियस आएगा। इसका क्या मतलब है भैया, हमने ये यहाँ पे ऐसे करके खाली वाटर जब लिया था, तो इसका जो हमने उबाला था इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल गया था, बॉईल हो गया था। जब हमने क्या करा, इस वाटर में HBr डाल दिया, कितना ग्राम वाटर था,
91.9 ग्राम वाटर था। इस बार हमने क्या करा, इसमें HBr डाल दिया, कितना इसमें वाटर है 91.9 ग्राम, और HBr हमारा कितना है इसमें, HBr कितना है बाकी का बचा हुआ यानी कि 8.1 ग्राम। तब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, 102. कितना था, 102.04 हमने कैलकुलेट कर लिया। तो देख लो इतना इजी हो जाता है हमको ये सब निकालना, ये बेसिकली क्वेश्चन का करवाने का मतलब था, तुम्हें सेंस भी समझ आ गया, फिजिकल सेंस भी समझ आ गया। इस तरह से क्वेश्चन की फीलिंग लेके करोगे तब क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा दोस्त, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सारे बच्चों को करना है, ट्राई कर लो, ट्राई करो सारे बच्चे, ट्राई करो, चलो होपफुली ट्राई किया होगा तुम लोगों ने, फायदा नहीं है वरना मेरे साथ पढ़ने का। मैं भैया अगर किसी को पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता हूं अपने एफर्ट्स डालो, ट्राई कर भाई, क्वेश्चन को समझ, एक एक लाइन पढ़, फील ले अंदर, अबे ऐसा हो रहा है, अरे ऐसा हो रहा है तो मैं ऐसा लगाऊंगा, फील लेनी जरूरी है मेरे भाई, ठीक है, क्वेश्चन की फील लेनी जरूरी है। केमिस्ट्री में तुम क्या होगा, रटना होता है, अब इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है भाई, फील लेके करो, फील लेके करो, कठिन क्वेश्चन तो देखो नहीं होगा तुमसे, मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर जो मीडियम और इजी क्वेश्चन है अगर तुम फील लेके करने लगे तो 4-4, 5-5 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर ट्राई करा होगा तुमने, इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज एज एन एंटी फ्रीज इन अ कोल्ड क्लाइमेट। अच्छा भैया इथाइलिन ग्लाइकोल यूज होता है एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज मतलब कोई चीज फ्रीज हो जा रही है उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा दो तो उसको हम कहेंगे वो एंटी फ्रीज की तरह यूज हो रहा है, यानी कि फ्रीज नहीं होने दे रहा है इथाइलिन ग्लाइकोल, अगर किसी चीज को फ्रीज नहीं होने दे रहा है उसका क्या मतलब है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल को हम एंटी फ्रीज की तरह यूज करते हैं कोल्ड क्लाइमेट में, एंटार्क्टिका वगैरह में, ठीक है भैया। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विच शुड बी एडेड टू 4 kg ऑफ वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एट -6 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारी चीज क्या गया इस क्वेश्चन में, हमको KF दिया है, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दिया है। जो बच्चे समझदार होंगे वो समझ गए होंगे, यहाँ पे तुमको बता देते हैं जो बच्चे समझदार होंगे वो क्या समझ गए होंगे। हमारे पास एक बार क्वेश्चन ये वाली थी ना, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विच शुड बी एडेड टू 4 kg ऑफ वाटर, ठीक है, समझ गए होगे तुम लोग, बहुत अच्छे समझ गए होगे। तुम्हारे पास एक डब्बा है जिसमें तुम्हारा क्या है 4 kg पानी पड़ा है, 4 kg पानी पड़ा है भैया, वो 0 degree पे फ्रीज हो जा रहा है, यार क्या करें भैया इसको, हमारा तो, हम तो रह रहे कनाडा में, कनाडा में तो यार -6 degree Celsius पहुंच गया है, लेकिन साला हम पानी नहीं पी पा रहे क्योंकि पानी तो फ्रीज हो रहा है 0 degree Celsius पे, तो हम क्या करें भैया। तो तुम छोटू आएगा, छोटू कहेगा अरे मम्मी रुको हम बताते हैं क्या करें, हम क्या करेंगे इस 4 kg वाटर में थोड़ा सा इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं मम्मी, तो फिर हम पी पाएंगे इसको -6 degree Celsius में। तो मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, आज हमारे दिन का तापमान है -6 degree Celsius, हमारा पानी तो जम जाना चाहिए था, लेकिन भैया छोटू ने क्या करा, छोटू ने इसमें थोड़ा सा इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया, थोड़ा सा इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया, उसकी वजह से क्या हो गया, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो 0 से ना रह के -6 degree तक चला गया, तो ये -6 के ऊपर जो भी तापमान होगा -5, -4, -2 पानी जमेगा नहीं तुम्हारा, पहले 0 degree पे ही सेल्सियस पे जम जा रहा था, अब -2, -3, -4, -6 तक वो सहन कर पाएगा अपने आप को फ्रीज होने से, ठीक है। तो हमने इसमें क्या डाल दिया, वाटर प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये छोटे की मम्मी तो इम्प्रेस हो गई, ठीक है। तो भैया लेकिन हमको इथाइलिन ग्लाइकोल लेके भी आना था, तो छोटे की मम्मी ने पूछा कितना इथाइलिन ग्लाइकोल लेके आए बेटा जो इसमें डाल दे और इसका फ्रीजिंग पॉइंट -6 तक पहुंच जाए, तो भाई वही हमको निकालना है। तो चलो भैया छोटू लग जाओ निकालने में, ठीक है, चलो भैया छोटू लग जाओ। इनिशियली 0 degree Celsius था जब हमने उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया, तो उसका -6 degree तक हम ले जाना चाहते हैं, ले जाते हैं बेटा, देखो ले जाते हैं। डेल्टा TF चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू KF KF इंटू एम इंटू 1000 अपॉन दिस इंटू दिस, ये सब मैं तुमको बता ही चुका हूँ होता क्या है, ठीक है। ये तुमको 6.662 दिया है, ठीक है, KF तुमको 1.86 दिया है। W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट तुमको, यानी कि पानी का मास कितना दिया 4 kg, उसमें तुम m निकालना है, m क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना वेट होगा जो तुम डालोगे इंटू 1000, ठीक है, इंटू 1000 निकाल लो, मास तुम्हारा कितना आएगा, मास ऑफ ईजी एडेड इक्वल टू 800 ग्राम निकल के आ जाएगा, यानी कि बेटा तुमने, छोटू ने क्या बता दिया, मम्मी मार्केट से 800 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल ले आओ, उससे क्या होगा जो तुम्हारा 4 kg वाटर था वो 0 degree से बढ़कर अपना फ्रीजिंग पॉइंट कहां तक ले जाएगा, -6 degree Celsius तक। ये होता है क्वेश्चन की फील लेना, समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है बेटा, कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में समझ गया, फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में घुस गए, अल्फा डिसोसिएशन एसोसिएशन कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी सब तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ दिया मैंने अगले 30 मिनट के अंदर, ठीक है, 30 मिनट के अंदर घुसेड़ चुका हूं। अब तुझे अगले 2 घंटा क्या करना है, PYQs करने हैं, ठीक है। देखो मैं 30 मिनट में सब कुछ नहीं करा सकता, ठीक है, तुमको वन शॉट वीडियोस देखनी है, पूरा पूरा चैप्टर वो 6-6 घंटे 7-7 घंटे में करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, देख लो। लेकिन अगर तुम्हें जल्दी से ज्यादातर सिलेबस करना है अपना JEE मेंस तक,
तो ये सीरीज को फॉलो कर और 2 घंटा बैठ के, 2 आवर बैठ के PYQs कर 19, 20, 21, 22 के, ठीक है 19, 20, 21, 22 के कर ले जितने हो पा रहे। मैं नहीं कह रहा कि तू करी मत, तू 10, अगर तू 100 क्वेश्चन कर रहा है, 100 में से अगर तेरे 80, 70 इवन 50 भी हो पा रहे हैं, 50% ऑफ द क्वेश्चन भी तू कर पा रहा है, तो तू गेम जीत रहा है दोस्त, तो तू गेम जीत रहा है, क्योंकि तूने 30 मिनट के अंदर ऐसा चैप्टर पढ़ लिया जिसको पढ़ने में लोग 12-12 दिन लगा देते हैं कोचिंग्स में, ठीक है। और ऐसा नहीं मैंने कुछ कमी छोड़ी है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है, वो खुद करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जितने क्वेश्चन तुझे इस कंसेप्ट के देखने सारे कर डाल, और मिलते हैं ऐसी नई नई वीडियो में, ठीक है। तुमको पूरी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और भाई सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है, इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए काम कर रहे होते हैं, तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, तुम मन नहीं करता फिर बनाने का, ठीक है। चलो सारे बच्चे जाओ सब्सक्राइब करो, सी यू, लव यू ऑल, बाय बाय।